बात हो गई थी। ये लट्टे पैर चिपक के गिर पड़ा है, क्या क्या करें, ये कौन है? लाल मैन, बिजली मैन है, लाल मैन है। बिजली विभाग के ये कर्मचारी है? हाँ, ये लाइट भी नहीं काटी है, उन्होंने काम कर रहा था उस पर, काम कर रहे थे। हाँ, तो लेके चढ़ा था, लापरवाही है। हाँ। क्या नाम है इनका? प्रदीप। कहाँ की बात है? तो यहाँ की चारवाक की बात है, वहाँ पे करंट लगाए थे। बिजली करंट है, चारवाक का मामला है, भट्टी वाली गली। अच्छा, जिसको करंट लगा था वो कहाँ है? वो ही हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल गया, ले गए। कौन कौन ले गया? एक गाड़ी ले गई है। पुलिस को अवगत कराया? पुलिस का स्टाफ, बिजली विभाग के कोई अधिकारी आलात करी? नहीं। भारत के सबसे चमकारिक और रहस्यमय मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी। भगवान तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सिर झुकाते हैं। ऐसा माना जाता है ये मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अमीर मंदिरों में से एक है। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं मंदिरों से जुड़े कुछ रहस्य। कहा जाता है कि मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली है, ये कभी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। मंदिर में एक और अजीब घटना होती है जिसे लेकर लोग कहते हैं कि सच में यहाँ भगवान रहते हैं। मंदिर में बालाजी की मूर्ति पर अगर कान लगाया जाए तो उसके अंदर से आवाज आती है। यह आवाज समंदर की लहरों की होती है। एक बात और आश्चर्य करती है, वो ये कि मंदिर में बालाजी की मूर्ति हमेशा पानी से भीगी रहती है, जैसे समुद्र के पास एक शांति सी महसूस होती है, वैसा एहसास मंदिर में होता है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वो कुछ समय बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी, इसी कारण उनकी टुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी टुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में न ही कभी तेल डाला जाता है और न ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहां बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहां पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल फूल दूध दही और घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है कि उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है।
तो दोस्तों, ये थे तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्य, जिनको जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन आपके मन में जरूर भगवान के प्रति आस्था जाग गई होगी। भगवान के इस चमत्कार को सभी तक पहुंचाने के लिए सच्चे मन से वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ वीडियो का अंत करते हैं और भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। जय श्री कृष्ण। क्या मामला है यहाँ पर, भीड़ लगी हुई है क्या? यहाँ पर भाई लड़का पकड़ लिया, बिजली सामान ने आया था, वो तो लट्टे पे चढ़ा था, 11 हजार की लेन से टकरा के वो उसका सिर लग गया था, वो चिपक गया, उसकी हालत ज्यादा ही बेकार है, मुश्किल बन गया बेचारा। क्या नाम था उसका? प्रदीप नाम था। कौन, सरकारी बिजली विभाग से था या प्राइवेट? प्राइवेट। अच्छा, कहाँ रहता था? ये रहते तोतल पर। यहाँ पर लाइट सामान नहीं आए थे? हाँ, लाइट सामान नहीं आए थे। यहाँ पे कम से 15 मिनट। किस जगह का मामला है ये? चारवा किस जगह का? चारवा।